हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड अप विद रिटन स्कूल। दिस इज शैलेश। तो लाइक आज भी मैं लेकर आऊंगा एक नया क्वेश्चन। तो लाइक पहला इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और तब तक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके प्रीरिक्विजिट्स क्या है कि लाइक आपको वो वीडियो देख कर आना है। सबसेट सम प्रॉब्लम, सो बेसिकली एक एरे दिया हुआ रहता है, एक आपका टारगेट, आपका एक सम दिया हुआ रहता है और चेक करना होता है कि ये सम मेरे एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। मतलब उसका एक सबसेट, कोई भी आप इसका सबसेट निकालो, यहाँ पर आप एरे पे आ गए तो देखो उसका एक स्तंभ बना के टारगेट सम बराबर हो रहा है कि नहीं, तो वो प्रीरिक्विजिट से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पर बताते हैं क्या है। इस वीडियो को छोटा रखने वाला हूं क्योंकि लाइक ज्यादा कुछ नहीं है, इजी ही क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बेसिकली बोला है, आपको वही एरे सेम दिया हुआ है, कोई भी आपका कुछ भी डेटा थे आपके एरे के, ठीक है। आपको एक नॉर्मल टारगेट सम दिया हुआ है, TS टारगेट सम आपको कुछ दे के रखा है x, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या था जब हम लोग पहले किए थे कि चेक करना था ये सम का कोई सबसेट प्रेजेंट है कि नहीं, फाइन। तो मुझे रिटर्न करना था ट्रू या मुझे रिटर्न करना था फॉल्स। बट अभी क्या मुझे क्वेश्चन ने बोला है कि इस सम का यहां पर कितने नंबर ऑफ सबसेट प्रेजेंट है, समझ में आया। इस सम का यहां पर कितने नंबर ऑफ सबसेट है, मतलब बताना कि कितने सबसेट पॉसिबल है फॉर दिस सम, मतलब ये जो टारगेट सम दिया है उसके कितने सबसेट बन सकते हैं हमारे इस एरे के अंदर में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाइक ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा मतलब सोचना मत कि हार्ड होगा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर बताते हैं आपको, ठीक है। तो आपको बताना है बस कि जो आपके जो टारगेट सम दिए हुए हैं उसे कितने पीस सबसेट्स प्रेजेंट है हमारे उस एरे में, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपको कोड तो याद होगा यार कि ये कोड मैंने लिखा था, लाइक लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे इसका डीपी टेबुलर वाला लिखते हैं कोड को, ठीक है। तो ये तो आपको याद होगा। तो यहाँ बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग का जो एरे नॉर्मल दिया हुआ है इनपुट ले लेते हैं, सम को इनपुट लेते हैं, डीपी इनपुट लेते हैं हम लोग। डीपी में पूरा दिखा देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा है तो एन कॉमा सम प्लस वन में बनाया है, सुबह में जीरो भर दिया इनिशियली, ठीक है। और मैं सिंपली लूप चलाता हूँ एक जीरो से लेकर एन, क्योंकि डीपी ऑफ आई जीरो हमेशा ही होने वाला है वन, क्योंकि लाइक कोई भी इंडेक्स पकड़ लो उसका सम अगर जीरो है तो वहाँ पर वैल्यू आएगा, मतलब ट्रू होने वाला है, ठीक है। और अब मैं चेक कर रहा हूँ मेरा एरे ऑफ जीरो लेस देन इक्वल टू सम है, तो मैं वहाँ एक कंडीशन और लगा सकता हूँ बेस केस में कि मेरा अगर इंडेक्स जीरो है, मतलब जीरो में पहुंच गए, और टारगेट सम मेरा अगर एरे ऑफ जीरो ही बचा है मेरे पास, तो मैं उसको भी वन कर सकता हूँ कि मतलब वहां मेरा ट्रू हो सकता है, ठीक है। अब मैं चलेगा दो लूप, एक चलेगा वन से लेकर एन फॉर इंडेक्स, एक चलेगा वन से लेकर सम फॉर टारगेट सम, ठीक है। दो केस होता है टेक नॉन टेक, पहले नॉट टेक में आपको नहीं लेना है, तो डीपी ऑफ आई माइनस वन जे नॉर्मल ले लो, ठीक है। मतलब आप करंट वाले वैल्यू को आप जे मतलब सम से माइनस नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट मैं टारगेट लेता हूँ जीरो, टेक को लेता हूँ जीरो, कि मैं उसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ एरे ऑफ आई मेरा लेस देन इक्वल टू जे है, मतलब सम से छोटा है एरे ऑफ आई, तो मैं उसको ले सकता हूँ। तो टेक में सिंपली मैं क्या करूंगा, आई माइनस वन और जे माइनस एरे ऑफ आई, मैं सम में से एरे ऑफ आई को माइनस कर दिया, और मैं डीपी ऑफ आई जे में देखूंगा बेसिकली नॉट टेक या फिर टेक, दोनों में से कोई भी एक मेरा आंसर अगर आता है तो मैं इसको और करके बेसिकली बस वहां स्टोर कर दूंगा कि यहां से मेरा आंसर आ जाए या मेरा यहां से आंसर आ जाए। बट मैं आंसर निकालने के लिए दोनों जगह तो भेज रहा हूँ ना उसको, मैं दोनों जगह भेज रहा हूँ आंसर को निकालने के लिए। अब चलिए मैं इसका एक रिकर्शन ट्री लिख के दिखाता हूँ, तो आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 3 2 का लेते हैं, ठीक है। सम यहाँ 3 लेते हैं, चलो। तो आपका इंडेक्स मान लीजिए 0 1 2, इसका इंडेक्स होता है 0 1 2, ठीक है। तो इंडेक्स में लिखता हूँ 2, सम आपका है 3, ठीक है। एक में क्या करूँ, नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स 1 पे आ गए, सम अभी 3 है आपका, एक बार ले लेता हूँ, तो लाइक इंडेक्स 1 होगा ये आपका और आपका ये 2 माइनस हो जाएगा, मतलब क्या हुआ आपका 1, 3 में से 2 माइनस करो कितना होता है 1, तो ये ऐसा कुछ आ गया। इसमें सेम केस करो, 0 पे आए, सम वैसे का वैसे ही रह गया, इसको ले लो, 0 पे ही आ गए, बट 1 में कौन है आपका 3 है, तो 3 माइनस 0 हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ भी सेम केस करो, पहले 0 में आ गए मत लो और नेक्स्ट आपका ले लो, तो आपका 1 पे कौन है 3 आपका, तो लाइक 3 माइनस 1 माइनस 3 मैं कर नहीं सकता, तो लाइक ये मैं नहीं करूंगा, ये हमारा बेस केस के खिलाफ चलेगा, चला जाएगा, ठीक है। या तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये वाला केस तो अब कुछ हो नहीं पाया, स्टार्टिंग पे आ गए और जो हमारा 3 है वो हमारा एरे ऑफ 0 के बराबर है नहीं, क्योंकि लाइक मेरा जो 0 में कौन था 1 और सब हमारा 3 बचा है, तो वो कभी हो नहीं पाएगा, तो यहाँ से मेरा रिटर्न होगा 0, ठीक है। ये आपका 0 मतलब सम मुझे 0 मिल चुका है, तो मैं रिटर्न करूंगा यहाँ से 1, ठीक है। यहाँ से रिटर्न करूंगा 0, यहाँ से रिटर्न करूंगा 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, मेरा 0 में आ गए हैं और मेरा सम 1 बचा हुआ है, बट मेरा जो एरे ऑफ 0 वहां पे मेरा 1 ही बचा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ कि मेरा मैं स्टार्टिंग पे आया हूँ एकदम, और मेरा सम भी 1 बचा हुआ है यहाँ पर, और मेरा स्टार्टिंग पोजिशन में भी 1 ही है मेरा, तो लाइक मेरा वहां मेरा एक बन जाएगा सबसेट, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा क्या 1।
ठीक है, यहां से कुछ रिटर्न नहीं होने वाला तो जीरो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, और कर रहा हूं ना इसके बीच में, ये जीरो वन का और किया तो यहां मेरा रिटर्न क्या होगा वन, ये जीरो वन का और करूंगा क्या रिटर्न मेरा होगा वन, ये वन वन का और करूंगा क्या आएगा मेरा वन, ठीक है। तो मतलब क्या मेरा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, मैं सबसेट बन रहा है, बट मैं और करने की जगह मैं ये कर दूं, ये दोनों को सम कर दूं, लाइक ये जीरो वन सम कर दूं, मतलब क्या हुआ इस केस से जीरो पीस सबसेट बना, इस यहां से एक पीस सबसेट बन रहा है, दोनों को ऐड करो क्या आएगा वन, तो मतलब इस वाले पॉइंट से मेरा एक सबसेट बन रहा है, ठीक है। यहां पे वही केस हमारा, इस वाले पार्ट से एक सबसेट बन रहा है, इस वाले पार्ट से जीरो सबसेट बन रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा वन, मतलब इस वाले पार्ट से आपका एक सबसेट बन के आ रहा है। अब ये देखेगा, ये वाला नोड देखेगा, करंट नोड किसके लेफ्ट से एक सबसेट बन के आ रहा है, राइट से भी एक सबसेट बन के आ रहा है, मतलब दोनों जगह से एक एक सबसेट बन रहा है, तो क्यों मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरा ओवरऑल देखा जाए मुझे दो सबसेट मिल जाएंगे, मतलब मेरा दो सबसेट प्रेजेंट है जिसका सम मेरा थ्री वन बन रहा है। तो यहाँ कौन कौन हो सकते हैं, एक अकेला थ्री ले लो एक सबसेट हो गया, एक आपका वन और टू को ले लो एक सबसेट हो गया, पर ये एक सबसेट मेरा बन जा रहा है, एक ये मेरा सबसेट बन जा रहा है जिसका सम करोगे तो आपको थ्री मिल जाएगा जो टारगेट सम है, ठीक है। तो बस मैं बस देखा मैंने क्या किया, बस मैं और की जगह मैं उसको सम कर दिया, तो मेरा क्या हुआ आप इस वे में जा रहे हो, इस वे में जा रहे हो, मैं दोनों वे में चेक कर रहा हूँ कि मेरा सबसेट सब बन, सबसेट बन रहा है कि नहीं उस सम के लिए। अगर दोनों में बन जाए, अगर दोनों किसी में बने ना बने, मैं वहां से रिटर्न कर दूंगा कि बन रहा है कि नहीं, अगर बन रहा है तो मैं वन रिटर्न करूंगा, तो वन होगा मतलब क्या वो वहां से बन रहा है, यहां से अगर बनता तो यहां से मैं वन रिटर्न करता, तो ये होकर टू जाता, मतलब इस किससे मेरा दो सबसेट सम बन रहा है मेरा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जैसे कोड में दिखा रहा हूँ आपको कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, नॉन टेक भेजा टेक भेजा, चलो मान लो मैं बोल रहा हूँ नॉट टेक में मैं भेजा रिकर्शन, वहाँ रिकर्शन मतलब अब तो ये हो जो टाइपर बन चुका है, मैं रिकर्शन बता रहा हूँ, मैं जैसे एग्जांपल में मैं नॉट टेक में भेजा हूँ, ठीक है, और मेरा वहां से मेरा आंसर बन जा रहा है, टेक में भेजा मेरा वहां से भी आंसर बन जा रहा है, तो मैं क्यों और करूं, मैं सिंपली प्लस कर देगा हूं, यहां मैं प्लस लिख दूंगा, तो प्लस लिखने से क्या होगा मेरा दोनों वे से मेरा आंसर बन रहा है, मैं दोनों को ऐड करके भेजूंगा कि मैं इस पार्ट से मेरा दो आंसर बन रहा है, कुछ इस तरह समझिए आप, ठीक है। तो मैं अगर इसको और हटा के मैं प्लस लिख दूं कि मेरा जो जीरो यहां से बन रहा था और यहां से मैं भेज रहा था, दोनों जगह से मेरा आंसर बन रहा है, तो मैं ऐड करके वापस रिटर्न करूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा क्या होगा बेसिकली, थोड़ा सा मेरा सम निकल जाएगा कि थोड़ा सा मेरा सबसेट्स निकल जाएंगे कि कितने मेरे कितने मेरे सबसेट प्रेजेंट है जो मेरा सम ये टारगेट सम द्वारा बन जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर ये वन वन भी मैं स्टोर किया हूँ और बाकी सब कुछ सेम ही है, ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो चलो यही मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पर, देखिए चलो मैं एग्जांपल मैं बनाता हूँ एक बार इसका डायग्राम, ठीक है। डायग्राम मतलब बताता हूँ कैसे कितना आंसर इसका बनने वाला है, 713 फिर 646 आपका, ठीक है 646 और आपका सम कुछ 10 बनाना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो अगर मैं 73 लूंगा तो ये आपका सबसेट बन जाएगा, अगर मैं 64 लूंगा ये बन जाएगा एक, 46 लूंगा एक ये बन जाएगा आपका, 136 लूंगा एक ये बन जाएगा आपका, फिर 13 और मैं एक एक ये 6 ले रहा हूँ, एक ये 6 लूंगा, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो पांच को सबसेट बन जा रहा है जिसका सम मिला के 10 हो रहा है मेरा, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं इसका 5 आंसर आता है कि नहीं, तो मैं इसको रन कर दिया हूं और 5 आ जाना चाहिए, तो 5 आ गया आंसर, देख सकते हो नीचे हमारा आंसर 5 आ चुका है, मतलब जो मेरा ऊपर में गिवन एरे है और ये आपका सम 10 है, तो मतलब आपका टोटल देखा जाए तो इसमें सबसेट 5 सबसेट बन रहे हैं जिसका आपका सम बना के आपका 10 हो पा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको और को प्लस करना था बस और कुछ नहीं, आपका पूरा आंसर ही चेंज हो गया। और करना मतलब और करोगे तो मतलब क्या मुझे निकालना है कि वो सब जो एरे है उसमें वो सम प्रेजेंट है कि नहीं, ऐसा सबसेट वो सम का सबसेट प्रेजेंट है कि नहीं, प्लस करोगे मतलब वो सम का कितने सबसेट प्रेजेंट है वो मुझे मिल जाएगा, मतलब काउंटर मुझे मिल जाएगा कि उस सम का कितने काउंटर मतलब कितने नंबर ऑफ सबसेट प्रेजेंट है उस एरे में वो मुझे मिल जाएगा। बस यही था क्वेश्चन, तो यही था, टाइम स्पेस सब कुछ सेम होने वाला है, एन इनटू सम टाइम और स्पेस वही होगा, एन इनटू सम की मैं डीबी ले रहा हूँ, इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, तो लाइक मैं अभी डीबी बता रहा हूँ तो लाइक उसमें बताता हूँ, स्पेस ऑप्टिमाइज नहीं करता हूँ इसको, ठीक है। तो यार वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तक मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहां प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी, यहां पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School.